जय हिंद दोस्तों। एक वृक्ष पर कई पशु पक्षी प्रहार करते हैं। कठफोड़वा अपनी चोंच से डाली पर निरंतर प्रहार करता है। हाथी भी अपनी पूरी शक्ति से अपने विशाल शरीर को वृक्ष पर रगड़ता है और भालू भी कहत पाने के लिए पंजे मारता है, परंतु इनमें से किसी का भी प्रहार वृक्ष को गिरा नहीं पाता, जबकि एक छोटी सी दीमक एक वृक्ष का अस्तित्व जड़ से मिटा देती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कैसे एक छोटी सी दीमक एक विशाल वृक्ष का अस्तित्व मिटाने में सफल हो जाती है? क्योंकि दीमक वृक्ष पर बाहर से नहीं भीतर से प्रहार करती है, इसलिए भीतर से किए जाने वाले घात से बचें। आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हों, अपनी कमजोरी अपनी दुर्बलता अपने शत्रु के सामने उजागर ना करें और अपनी सुरक्षा तंत्र पर हमेशा दृष्टि बनाए रखें कि कहीं तो उसे कोई ख़त्म करने का प्रयास तो नहीं कर रहा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।